हेलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ, जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आज हम पहुंचे छतबीर ज़ू, जो नॉर्थ इंडिया का बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट है। तो वीकेंड लॉन्ग था, तो हमने सोचा क्यों ना द्विनवीर को वाइल्ड एनिमल का एक्सपोजर करवाया जाए। फ्रेंड्स, यहाँ एंट्री के साथ ही बहुत बड़ी पार्किंग है, जहाँ पर आप बिना किसी टेंशन के अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एंट्री गेट का नज़ारा। फ्रेंड्स, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में टिकटिंग एरिया है। यहाँ एज के अकॉर्डिंग 3 से 12 साल के 50 रुपये और 12 से अवर के 100 रुपये, और जिनकी एज 3 साल से कम है उनके लिए टिकट फ्री है। फ्रेंड्स, तो कुछ ऐसी है जू की टिकट। टिकट की चेकिंग कराने के बाद हमने ली जू में एंट्री। छतबीर जू, आई लव छतबीर जू। फोटोग्राफ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल की फैसिलिटी जू में अवेलेबल है, जो कि जू में सभी लोकेशन से होकर आपको बिना पैदल चले भरपूर लुत्फ उठाने का आनंद देती है। यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं जिन्हें चलने में समस्या है, तो आप इस सुविधा का आनंद ले सकते हैं। घूम के वहाँ पर छोड़ देगा आपको। जाना है गड्डी से 5-6 किलोमीटर का रामना पूरा जोधी खान के। टाइम लिमिट आपकी रहेगी जी, कितने भी उतरे जाओ, कितने भी बैठे जाओ, टिकट यहीं से मिलेगी, आगे नहीं मिलेगी जी। टिकट लेते ही हम सबकी कलाई पर बंधे ये रिस्ट बैंड, जिससे ड्राइवर को ये पता रहे कि इन सब ने टिकट ले रखी है। क्योंकि जगह जगह पर एनिमल्स को उतर कर देखना होता है, तो ये कार्स वेट नहीं करती, बल्कि एक के बाद दूसरी चलती रहती है। यहाँ पर आप प्राइवेट कार्स भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जू की एंट्री है लेफ्ट साइड से, जहाँ सबसे पहले हमें देखने को मिला बबून मंकी। सभी जानवरों के बाड़े के बाहर इन्फॉर्मेटरी बोर्ड्स लगे हुए हैं, जिन पर जानवरों का संक्षिप्त विवरण आप जान सकते हैं। ये सेक्शन बंदरों का ही था, जहां अलग अलग प्रजाति के बंदरों को रखा गया है। फ्रेंड्स, रास्ते में हमें बहुत सारे मोर मिले, जो कि डांस कर रहे थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। थोड़ा ही आगे जाने पर हमें दिखा इंडियन टाइगर, जो कि बहुत ही मेस्पराइजिंग था। वैसे तो जानवर जंगल में बहुत अच्छे लगते हैं, बट जू में भी इनका काफी अच्छे से ध्यान रखा गया है। टाइगर वाकई बहुत ही शानदार होता है।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एनिमल है वाइट टाइगर जो कि अभी रेस्ट कर रहा है। इसके बाद हम बैठे इलेक्ट्रिक व्हीकल में और पहुंचे नेक्स्ट एनिमल हिप्पोपोटामस जिसको आप दरियाई घोड़े के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे दो अलग अलग कंपार्टमेंट है, मेल और फीमेल को अलग अलग रखा गया है और फीमेल के साथ एक छोटा बेबी भी है। फ्रेंड्स ये है वाइट बक और साथ ही है इंडियन एलिफेंट जिसे हम हाथी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है इंडियन वुल्फ भेड़िया, ये देखिए। इसके बाद हमने देखा ढोल इंडियन वाइल्ड डॉग। तो फ्रेंड्स अब हम चले लॉयन सफारी पर जिसकी टिकट है ₹50 पर पर्सन। फ्रेंड्स यहाँ देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है, सब अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं, बस आएगी और बस में हम लॉयन सफारी के लिए जाएंगे। फ्रेंड्स जैसे ही हमने एंट्री की ये देखो रास्ते में बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। Yeah,
लायन सफारी के बाद अब नेक्स्ट एनिमल है जैगुआर। नेक्स्ट है पैंथर जो कि अभी सो रहा है। लेपर्ड तेंदुआ कॉफी सबसे महंगी मिल वर्ल्ड में इसकी बिल्ला जंगली बिल्ला जंगली बिल्ला वहाँ देखो देखो तो इसके ऊपर खड़े हो जाओ वो देखो कितनी बड़ा बिल्ला एक और भी है। तो फ्रेंड्स अब हम फिर से बैठ गए हैं बैटरी व्हीकल में और अब हम जा रहे हैं डायनासोर पार्क। देखिए हम पहुंच गए अभी डायनासोर पार्क। बोलना बंद कर दिया उन्होंने कहाँ बोल रहे अंदर बोल रहे यहाँ एंट्री पर कुछ भूल भुलैया टाइप बना हुआ है जहाँ पर हमने थोड़ी सी मस्ती की। अब हम पहुंचे हैं बहुत ही डरावनी केव के अंदर जहाँ से बहुत ही खतरनाक साउंड्स आती रहती है। देखेंगे
देखिए फ्रेंड्स, ये एक मदर ड्रैगन है। ये देखिए इसके अंडे से ही बाहर को बच्चे निकल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे ड्रैगन्स। यहाँ पर ये सेल्फी के लिए एग बने हुए हैं, जो कि डायनासोर के अंडे हैं। देखो द्वेन वीर भी फोटो खिंचवा रहा है। सबसे बड़ा डायनासोर नेम भी लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ डायनासोर के पैरों के निशान बने हुए हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े डायनासोर के पैरों के निशान। और ये बहुत ही डेंजरस डायनासोर, देखो कितना छोटा हमारा पैर लग रहा है इसके सामने। मेन इसके बारे में पढ़ लो, देखो फ्रेंड्स, डायनासोर पार्क के बाद अब हम जा रहे हैं बर्ड हाउस में। यहाँ पर फर्स्ट बर्ड हमें देखने को मिला, सारस। देखिए कितना अद्भुत वन्य जीव है। और अब साथ ही है व्हाइट पीकॉक। वाओ, टेरेस्ट्रियल। How are they?
फ्रेंड्स, बर्ड हाउस के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के बर्ड्स हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं जो आपके मन को मोह लेंगे। देखो पैरेट, प्यारे बर्ड्स वो देखो ऊपर ईगल। वेन वो देखो वल्चर। वेन वेन देखो फ्रेंड्स, बर्ड हाउस के बाद थोड़ी भूख लग गई थी तो हमने थोड़ा लंच किया और फिर उसके बाद हम पहुंचे ब्लैक बग के पास। तो फ्रेंड्स, अब बारी है सबसे खतरनाक हाउस की, जो है रेप्टाइल हाउस। मुझे तो नाम सुन के ही डर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, हाउस के अंदर सबसे पहले हमें दर्शन हुए पाइथन के। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत सारे हैं और बहुत बड़े बड़े हैं।
फ्रेंड्स पाइथन के बाद अब बारी है छिपकली की। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी छिपकलियां है, इग्वाना नाम है इनका। रेप्टाइल हाउस के बाद अब हम पहुंचे हैं टर्टल्स के पास। ये देखिए पानी में बहुत सारे टर्टल्स हैं और ये लकड़ी के ऊपर भी बैठे हुए हैं। अब नेक्स्ट है क्रोकोडाइल। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्रोकोडाइल है और इसके साथ ही है घड़ियाल। फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटी सी लेक भी है। और ये हमारा एग्जिट पॉइंट। ओके फ्रेंड्स बाय बाय, आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अब हम जू के एग्जिट पर पहुंच चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।